जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टार भजन कीर्तन और मैं पंडित प्रमोद शुक्ला। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से मैं अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। हस्तरेखा शास्त्र के बारे की जानकारी, मनुष्य के जीवन में भविष्य में शुभ व अशुभ का संकेत दिया करती हैं, उसके बारे की भी जानकारी मैं आप सबके साथ में इस चैनल के माध्यम से शेयर करता रहता हूं। मित्रों, हथेली में जीवन रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, इन रेखाओं के बारे में कोई ऐसी जानकारी मैं आपको बीच बीच में देता रहता हूं जिसमें शुभ व अशुभ का संकेत दिया जाता है। तो आज मैं कुछ ऐसे चिन्हों के बारे में आप सबके साथ में शेयर करने के लिए आया हूं कि जिसके होने से जीवन में अशुभ का संकेत मिलता है, कष्टों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मित्रों, ये मेरा हाथ देखिए, ठीक है, ये आपकी होती है जीवन रेखा। अगर जीवन रेखा कट है तो कुछ लोग बताते हैं कि मृत्यु हो जाती है, कम उम्र होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। मित्रों, जीवन रेखा पे अगर कट का निशान है, कटने के बाद फिर आगे वो जो है चल रही है, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं आती है, सिर्फ आपके जीवन में भविष्य में कष्टों का सामना आपको करना पड़ता है। आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, कष्ट लाएंगे, परंतु आप उनको पार कर जाएंगे। हिम्मत से काम लें, आपका कार्य होता रहेगा। यदि कहीं पर द्वीप का चिन्ह बना है, द्वीप का चिन्ह बना है, तो द्वीप के चिन्ह बनने से मान सम्मान में कमी आती है, व्यक्ति के जीवन में उसे संकट का सामना करना पड़ता है, और ऐसा व्यक्ति शांत रहता है, वो चिंताग्रस्त रहता है। और जिस किसी के हाथ में शनि पर्वत पर, शनि पर्वत यहां पर होता है, शनि पर्वत पर अगर क्रास का निशान है, तो मित्रों ये जो है, अगर ऐसा आपके हाथ में है तो आपका जो स्वास्थ्य है वो हमेशा खराब रहेगा, परेशानियां होती रहेंगी, पैरों में चोट आएगी, दर्द बनी रहेगी, आपको ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।